हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रॉम सिसु. अभी इट्स आर थर्ड डे. बाय द वे, आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देती हूँ. तो द डे वी केम हियर, हमने एक्चुअली हॉस्टल सिसु बुक किया था और हम वहाँ पर चेक इन भी किया, मतलब एक रात वी स्पेंड देयर. बट द थिंग वॉज कि जैसे हॉस्टल में थोड़ा सा माहौल होता है, लाइक ऑल द टाइम गाना बजाना और ऐसे शोर शराबा, वैसा टाइप का माहौल था. और तारिका इज़ वर्किंग फ्रॉम हियर, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था. दैट्स वाई वी मूव टू दिस होम स्टे विच इज़ स्नो स्टार होम स्टे. मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाऊंगी भी प्रॉपर्टी, मैंने ऐसे दिखाई भी नहीं है. बट या अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए हैं. दिस इज़ द डाइनिंग एरिया हियर. अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ ये प्रॉपर्टी. एंड इसके बाद आज हम जाने वाले हैं केलांग, और केलांग के रास्ते में जो भी पड़ेगा एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे. एंड लेट्स बिगिन द डे. हमने एक्चुअली दो रूम लिए हुए हैं, तो यहाँ पर डबल बेड है, देर इज वॉशरूम ओवर हियर, काफ़ी नीट एंड क्लीन, गीज़र भी लगा हुआ है ऑल्सो. वैसे यहाँ पर एक रूम का जो रेट है दैट इज़ 1200 रुपीज़, बट क्योंकि हमने दो रूम लिए और हमने तीन दिन तीन रात के लिए लिए, तो हमको थोड़ा सा अंकल ने थोड़ा सा डिस्काउंट किया है. दो रूम का 2200, हाँ ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि अभी इज द पीक सीजन और सब कुछ ऐसे बुक चल रहा है पूरा सिसु में. ओके एवरीबॉडी, तो बस अब फटाफट से रेडी होते हैं, सनग्लासेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्कूटी में जाने वाले हैं. देन आई हैव कैप ऑल्सो, ठंड लगे तो ये लगाने के लिए भी है मेरे पास. हवा बहुत ज़्यादा चलती है सिसु में. इधर ही विच आई एम यूजिंग दीज डेज इज दिस सनस्क्रीन. ओके जी, तो वी आर ऑल रेडी, ऑल सेट फॉर द डे. एंड मैं पूरी की पूरी कवर हो चुकी हूँ. मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और फिर नोज इसे स्टफी से हो जाता है, तो इसलिए मास्क लगाया है. ग्लासेस ऑब्वियसली ज़रूरी है, सन बहुत हार्श है, एंड हेलमेट फॉर सेफ्टी. एंड दिस इज़ माय स्कूटी, माय राम प्यारी, लेट्स गो. भैया भी चल रहे हैं साथ में, तो मैं और भैया जा रहे हैं. तारिका इज़ वॉकिंग. पैच क्रॉस करने के बाद यहाँ पर तो इतनी ऐसे धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो वैली है इस तरफ, ये इसकी वजह से पूरा शेड आ रहा है, तो यहाँ धूप नहीं है और यहाँ पर ठंड एकदम से बढ़ गई है. बट यस, नज़ारा यू कैन सी ब्रेड टेकिंग अमेजिंग यार, कितने सुंदर लग रहा है सब कुछ. ओह माय गॉड, मैं इस रास्ते से तीन से चार बार आ चुकी हूँ, बट जब वेन एवर आई कम हियर लाइक मैं ऐसे खो जाती हूँ, मतलब क्योंकि है यार, मतलब जादू है इस जगह पर, पहाड़ों में ही जादू है एक्चुअली. जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये है कुछ 300 साल पुराना और ये 6-story फोर्ट है. अभी इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया और जाने का अंदर कोई वे नहीं है, आप लैडर लगा के इसे जाना पड़ता है. और इसे 300 साल पहले जो ठाकुर ने बनवाया था, क्योंकि इसके अंदर पूजा वगैरह होती थी पहले के टाइम पे, यू नो फोर्ट का क्या मतलब होता था और फोर्ट क्यों बनवाए जाते थे. बाय द वे, ये 14 किलोमीटर है कुछ सिसु से जब आप आएंगे इस तरफ, और इसका रोड जो है राइट हैंड की तरफ नीचे को कटता है. तो इफ़ यू आर हियर इन सिसु फॉर 2-3 days, आसपास कहीं पर घूमना है तो डू कम हियर, इट्स अ वेरी क्वाइट विलेज, गोंदला नाम है इस विलेज का.
तो हम पहुंच गए हैं केलोंग, और केलोंग पहुंचते ही सबसे पहले मैं कॉफ़ी पी है. और अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे तो अभी हमने जस्ट कॉफ़ी पी है ऐसे. एंड या अभी यहाँ से वी आर गोइंग टू गो, देर इज़ अ शशुर गोम्पा विच इज़ वेरी ओल्ड. सो यहाँ से जस्ट 14 किलोमीटर है अप हिल, तो हम वहाँ जाएंगे. थोड़ा सा ऐसे ब्रेक लिया है क्योंकि 40 किलोमीटर ड्राइव करके आया. सो या We are going to go to the Gompa और आप भी लेके चलते हैं. बस कॉफ़ी पी के रिफ्रेश हो चुके हैं. एंड ऑल्सो ऑन अ ग्रेट नोट, आई जस्ट हिट 70K ऑन इंस्टाग्राम, तो वही उसी की थोड़ी सी खुशी हो रही थी. हाँ, सुपर हैप्पी जब ऐसी चीज़ें ना ऐसे ही मतलब आपकी फेवरेट जगह पर होती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है. दिस इज़ वॉट हैपनिंग विथ मी ऑल्सो, क्योंकि हिमाचल से यू नो दैट आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट अराउंड हिमालयाज ओनली. एंड यहाँ पर कुछ ऐसे माइलस्टोन जब मैं हिट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले जो 50K हुए थे आई वॉज इन दिल्ली, 60K हुए थे तब भी आई वॉज इन दिल्ली, अभी 70K आई एम हिटिंग हेयर. आई विश जब भी मेरे 100K ऐसे ऊपर हो तो हिमाचल में ही हो कहीं पर भी. लेट्स गो. शशुर मोनेस्ट्री, और रास्ते थोड़े ऐसे से हैं, उबड़ खाबड़ पथरीले, बट ये थोड़े हाफ वे अच्छा था, अभी हाफ वे थोड़ा सा ख़राब है इसलिए स्लो चल रहे हैं. हाँ, ज़्यादा दूर नहीं था, इट वॉज़ अराउंड 6 or 7 kilometers, बट पहुँचने में ही बिकॉज ऑफ द रोड थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हाँ वी आर ऑलमोस्ट देयर. This is each of these represents different world system where everybody is reborn. So starting from here, so you see all the difference. So this is not this is like Rajasa, this thing, and this, so it's another different Rajasa world. So each time we will be reborn in one of those places. कुछ लाइक हम जब निकले थे केलोंग से तब से लेके अभी तक
7-8 बार बंद हो गई थी तांडी से आगे, तांडी में होती तो हम वहाँ पे डेफिनेटली बनवा लेते, बट उसके आगे जाके ऐसे बहुत ही स्टीफ था रोड, तो वहाँ पे बार बार बंद हो रही थी। तो फिर हमने जैसे तैसे करके आगे लाइक सिसु से पहले तक पहुँच गए, मतलब 15 किलोमीटर पहले तक वी आर हियर। एंड यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लाइक मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम हो जाए बाइक में उसके लिए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देख लो एक बार, वी आर चेकिंग इट। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो स्पार्क क्लच जो होती है उसमें कचरा फंस जाता है, वो वाली प्रॉब्लम हो गई है। तो या अभी उसको फिक्स कराते हैं एंड उसके बाद हम सिसु ही जा रहे हैं वापस। तो यस, आज का दिन थोड़ा लंबा हो गया, बट या इट्स फन, इट्स बड़ी। तो हमारी गाड़ी 10 मिनट का ही काम था, क्या है ₹150 लगे, ₹150 लगे। स्पार्क क्लच जो साफ होता है उस साफ हो गया। लेट्स गो डायरेक्टली टू सिसु। ओके एवरीबॉडी, सो हम वापस सिसु पहुंच गए। कि सबसे पहला काम जो मैंने किया ना वो हाथ और अपना फेस शक्ल धोई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना, ऐसे काला काला सा पानी निकला है, इट इज़ डिस्गस्टिंग आई नो दैट, बट क्या करें अब धूल मिट्टी में हो जाता है। अभी राइट नाउ थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ, शक्ल थोड़ी सी ठीक कर ली है एंड आई एम गोइंग टू हैव समथिंग, क्योंकि सुबह जब नाश्ता किया था पराठे, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया उसके बाद। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, आई एम स्टार्विंग राइट नाउ। तो सामने ना एक आंटी का ढाबा है, वहाँ पर हमने उनको सिड्डू और मोमोज बोला था, तो वो खाने के लिए जा रहे हैं हम। लेट्स गो। और हाँ जी, आपको भी लेके चलते हैं साथ में। हाँ जी, तो चलो, ये है आंटी जी का ढाबा जहाँ कल हम खाना खाने भी आए थे। You look so dull. क्यों? What happened? अभी बना रहे हो सिड्डू आप? मैंने सोचा ना, हाँ लेट आया पर मैं सोच रही हूँ इसको कुछ दे दो, इसको बहुत तेज भूख लगी है, हमको थोड़ी देर में दोगे तो ये छोटी बहन को दे देंगे। हाय सिड्डू, कड़क कैसे लग रहे हैं? जाके थोड़ी देर, थोड़ा बहुत काम है मेरा, वो करना है, काम करेंगे और साथ ही बहुत ही तेज हवाएं चल रही है इसलिए ठंड लग रही है, मैंने अपना जैकेट भी नहीं पहना। चलते हैं अंदर, थोड़ा कोजी हो जाते हैं रूम में क्योंकि कल जो है बड़ा ही क्रेजी डे होने वाला है। ओके जी, तो ये वाला व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं अब।